नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और आज के खास वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और डेफिनेटली आपका भी इच्छा होगा कि मैं भी एक अपना घर खरीदूं और मेरा भी एक स्वीट होम हो, सुंदर सा घर हो और मैं अपने घर में जो है अपने परिवार के साथ, अपने फैमिली के साथ अच्छे तरीके से रहूं। तो आज आपका सपना यहीं साकार होगा। तो आइए सबसे पहले हम आपको जो है यहाँ से शुरुआत करते हैं इस घर से और आपको पूरा जो है व्यू दिखाने वाले हैं आज। मतलब आपको इस घर में क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं एक एक चीज़ बताऊंगा, क्योंकि यह घर जो है एकदम फुल्ली अच्छे तरीके से डेकोरेटेड और डिज़ाइन किया हुआ है। तो जब आप देखोगे तो आप ज़रूर खुश हो जाओगे। तो चलिए घर को देखते हैं। जैसा कि सबसे पहले मैं आपको यहीं पर बता दूं कि यहाँ एंटर करते के साथ ही आपको गेट जो यहाँ का देखने को मिल रहा है, ये जो आप गेट देख रहे हैं, ये पूरा गेट जो है अच्छे तरीके से स्पेशली जो है डिज़ाइन कराया हुआ है, ये गेट आपको मिलता है। एंड आप चाहो तो यहाँ पे अपनी कार, बाइक, कुछ भी आप यहाँ पे पार्क कर सकते हो। सबसे पहले जैसे ही यहाँ पे एंटर करते हो तो एंटर करते हैं के साथ साथ ही आपको जो है यहाँ पे समरसेबुल देखने को मिलता है सबसे पहले। और ये है समरसेबुल का जो है स्विच है, ये जो स्विच यहाँ पे जो लगाया गया है, ये स्विच काफ़ी मतलब अच्छे क्वालिटी का और यहाँ पे ब्रांड में आपको स्विच मिलने को देखने को मिलता है, ब्रांड का स्विच है। तो यहाँ पे समरसेबुल का डायरेक्ट जो है ये देखो नीचे में ये दिया गया है, यहाँ पे अपना गाड़ी धुल सकते हो या फिर और भी अगर ज़रूरी काम होती है। कई बार क्या होता है कि पानी की ज़रूरत पड़ती है, नीचे अगर आपको रूम धुलना हो तो आप डायरेक्ट यहाँ से जो है पाइप लगा के और पाइप के माध्यम से अपना रूम धुल सकते हो। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पे अंदर हम आपको अंदर का व्यू दिखाते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है एक वॉश बेसिन देखने को मिलता है जिसका नल, ये जो है उसका नल है और ये नल की क्वालिटी जो है एकदम काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी की नल है। और यहाँ पे जो ये वॉश बेसिन है ये भी कंपनी का आपको मिलता है और ये भी काफ़ी शानदार देखने को मिलता है। मैं कैमरामैन से बोलूँगा कि अंदर का भी व्यू आपको दिखा दे कि अंदर टॉयलेट और बाथरूम दोनों अटैच हैं और आप यहाँ पे जो है अपना नहा सकते हैं एंड टॉयलेट वगैरह भी कर सकते हैं। अब गाइस यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ तो ये जो जगह आपको दिख रहा है, ये जो जगह है एंड ये जगह है, आप अगर चाहें तो इस दोनों जगह पे अपने मन मुताबिक आप यहाँ पे एसी लगवा सकते हो, यहाँ पे एसी फिट करवा सकते हो। ये स्पेशली जो है एसी के लिए ये जगह दिया गया था। यहाँ पे आप चाहें तो आप यहाँ पे एसी लगवा सकते हैं और अच्छे तरीके से इसी तरह का सेम वहाँ भी बनाया गया है। और पीछे के जितने भी रूम आपको अभी मैं दिखाऊंगा वो सारे रूम का जो है मतलब डिज़ाइन इसी तरीके से है और वहाँ भी आप एसी लगवा सकते हो। गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो ये जो घर आप देख रहे हो ये घर जो है 125 स्क्वायर यार्ड का है। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जगह काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे दी गई है, तो आप अपनी कार, अपनी कोई भी गाड़ी या फिर आपके पास अगर साइकिल हो, आप साइकिलिंग करते हो सुबह सुबह आपको पसंद है तो आप यहाँ से साइकिल भी लगा सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको जो है यहाँ का दरवाज़ा देखने को मिलता है। तो ये जो दरवाज़ा आप देख रहे हैं यहाँ से सीधे आप जो है ड्राइंग रूम में एंटर कर सकते हो और ये जो है ड्राइंग रूम का कुछ इस तरीके से आपको व्यू देखने को मिलता है जो कि काफ़ी फुल्ली डेकोरेटेड और डिज़ाइन किया हुआ है, आप जैसा कि वीडियो में आप देख रहे हो। बात करते हैं यहाँ के स्विचेस के बारे में, तो यहाँ भी स्विचेस जो यूज़ किए गए हैं ये भी काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी के हैं। एंड आप चाहो तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आप एसी वगैरह यूज़ कर सकते हो और एसी के साथ साथ आप यहाँ से कनेक्शन इसमें डायरेक्टली कर सकते हो। अभी आगे बढ़ते हैं और आगे का व्यू आपको मैं दिखाता हूँ। तो गाइज यहाँ पे हम बात करते हैं तो ये जो आपका जो है ड्राइंग रूम में काम आता है जो ये हॉल है, एंड आप यहाँ पर चाहो तो ये जो स्पेस बच रहा है इस स्पेस में को आप जो है मतलब डाइनिंग रूम के तरह यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप एक छोटा सा डाइनिंग टेबल या बड़ा सा डाइनिंग टेबल अपने फैमिली अनुसार रख सकते हो एंड इस यहाँ पे बैठ के अपने अच्छे तरीके से आप खाना भी खा सकते हो। खाना खाने के बाद तो यहाँ पे जो है एग्जीबिशन लगाया गया है। काफ़ी इसकी डिज़ाइन के बारे में अगर हम बात कर ले तो यह डिज़ाइन एक अलग तरीके से आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे आप खाना खाने के बाद हाथ धुल सकते हो। एंड सबसे पहले ज़रूरी बात क्या होता है कि अपने घर में अच्छे तरीके से डेकोरेटेड हर एक सामान को रखना, तो यहाँ पे आप अच्छे तरीके से रख सकते हो। और गाइस यही नहीं, यह घर जो बनाया गया है पूरे वास्तु शास्त्र के अनुसार बनाया गया है और यह उस चीज़ को देखते हुए फुल्ली जो है डिज़ाइन कराया गया है, तो आप अच्छे तरीके से यहाँ पे आके विजिट भी कर सकते हो। अब आइए हम आपको दिखाते हैं यहाँ के किचन के बारे में। किचन का जो लुक दिख रहा है, ये जो है किचन का लुक है, ये काफ़ी गजब का लुक देता है। यहाँ पे जो है यूज़ किया गया है, ये देखिए ये जो पार्ट है यहाँ पे चिमनी के लिए रखा गया है। यहाँ पे अंदर में चिमनी आप यहाँ पे फिट करवा सकते हो एंड इसका कनेक्शन करवा सकते हो। वहाँ पे एक पाइप लगी हुई है, उससे ये सीधे जो है आपको छत पे निकलता है पाइप और यहाँ पे अपना चिमनी लगवा सकते हो। बात करते हैं इसके अंदर, तो ये छोटे से कवर टाइप का बनाया गया है और इसके अंदर अपना जो है किचन की सामग्री, आटा, दाल, चावल जो भी आपको रखनी है वो रख सकते हो। अब गाइस हम बात करते हैं इसमें यूज़ किया हुआ मार्बल जो यहाँ पे यूज़ किया गया है, ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है और काफ़ी अलग लुक देता है। इसके साथ ही नीचे की अगर हम बात कर लें तो नीचे कुछ अलग डिज़ाइन का जो है आपको ये सारा देखने को मिलता है। जैसा कि आप इसे देख सकते हो, ये देखो कितना
सुंदर क्वालिटी का ये दिख रहा है। आप यहाँ पे सब्जी वगैरह रख सकते हो, यहाँ पे जो भी आपकी इच्छा है उस अनुसार आप इसे इसमें जो है अपना सजा के रख सकते हो। ये आप जैसा कि देख सकते हो ये किस तरीके से आपको दिख रहा है, ये अपने आप में ही एक अलग तरीके का मतलब डिज़ाइन किया हुआ है और आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी आएगा। तो गाइस सबसे पहले आपको यहाँ पे दो रूम देखने को मिलता है जिसमें आप अच्छे तरीके से रह सकते हो। ये दो सुंदर सा रूम है, आइए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ ये जो रूम है अच्छा खासा है, इसमें आप अपना जो है सोने की जगह अपना बना सकते हो। ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है। इस रूम की क्वालिटी के बारे में बात करें तो ये रूम काफ़ी शानदार दिख रहा है। तो गाइस जैसे कि आपने देखा कि ये रूम जो है ये ग्रीन कलर का रूम है और ये ग्रीन कलर जानते हो आप खुद ही, ये अपने आप में ही एक अलग तरह का पहचान देता है। ये काफ़ी सुंदर सा दिखता है। अब हम बात करते हैं सीधे अंदर, मैं आपको ये दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो नल है, मैं आपको नल की क्वालिटी दिखा देता हूँ। नल जो देखने को मिल रही है एकदम अच्छी क्वालिटी की नल है, कंपनी की है और एकदम शानदार देखने को मिलता है। ये नल जो है यहाँ से गर्म ठंडा और डायरेक्ट सप्लाई का पानी भी आप यहाँ पे मंगवा सकते हो। साथ ही बात करेंगे शॉवर के बारे में, तो ये शॉवर है और ये भी अलग तरीके के दिख रहा है। यहाँ पे बात करते हैं टॉयलेट की, तो ये भी एक अच्छी खासी कंपनी का टॉयलेट है। एंड बात करते हैं इसके लुक के बारे में, तो ये भी अपने आप में एक अलग पहचान दे रहा है। आइए गाइस हम आपको और आगे दिखाते हैं। इसी के साथ जो है अटैच है ये जगह, तो यहाँ भी दो एसी का पार्ट दिया गया है। आप चाहे तो यहाँ पे एसी लगा सकते हैं, आप चाहे तो कूलर लगा सकते हैं, दोनों चीज़ आप अपने सुविधा अनुसार यूज़ कर सकते हैं। बात करते हैं इस स्पेस के बारे में, तो यह स्पेस काफ़ी बड़ा है, ये दोनों रूम को जोड़ता है। ऊपर का स्पेस खुला हुआ है, आप चाहे तो इसके ऊपर फाइबर लगा सकते हैं, अन्यथा आप सुबह सुबह धूप का आनंद भी यहाँ पर ले सकते हैं। तो गाइस सीधे हम अब यहाँ से रूम में एंटर करते हैं। एंड रूम की हम बात करें तो ये रूम कुछ इस तरीके का है और ये रूम जो है काफ़ी अच्छा दिख रहा है। बात करते हैं यहाँ के ये वॉल्स के बारे में, तो ये वॉल्स जो है अपने आप में आप खुद देख रहे हैं कितनी अच्छी डिज़ाइन इसकी की गई है। तो यहाँ की अगर बात करें तो आप इसको एज अ स्टोर रूम यूज़ कर सकते हो। एंड आप चाहो तो यहाँ पे एक पूजा का मंदिर भी स्थापित कर सकते हो। ये पूरे जो है वास्तुशास्त्र के अनुसार बनाया गया है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस जगह के बारे में। तो गाइस अब हम बात करते हैं इस कवर्ड के बारे में, तो ये जो अलमारी आपको दिख रही है ये तीन फेज में पूरे बनाया गया अलमारी है। और बात करते हैं इसमें आप अपना जो है लगेज वगैरह रख सकते हो, आप अपने कपड़े रख सकते हो। अब हम सीधे यहाँ निकल जाते हैं और ये आ जाते हैं हम सीधे डाइनिंग हॉल में, जिसको मैंने आपको पहले वीडियो में दिखा दिया है। अब सीधे चलिए हम आपको ऊपर की ओर ले चलते हैं। गाइस सीलिंग की यहाँ पे बात करें, जैसा कि आपको दिख रहा है ये ऊपर का दृश्य, ये अपने आप में जो है एक अलग डिज़ाइन किया हुआ है। और यहाँ पे आपको जो है एक छोटा सा स्पेस मिल जाता है, आप चाहो तो यहाँ पे आप अपना कुछ सामान वगैरह रख सकते हो, या फिर आप जो है यहाँ पे खाट रख सकते हो। आपके पास खटिया वगैरह हो तो वो भी आप इस जगह पे रख सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे सीढ़ी का जो स्पेस दिया गया है, यहाँ भी कोई सामान चौकी या फिर खाट वगैरह लगाना हो तो वो भी लगा सकते हो। चलिए सीधे अब हम आपको यहाँ के छत का व्यू दिखाते हैं। तो छत जैसा कि आपको दिख रहा है ये भी अच्छे तरीके से जो है बनाया गया है छत का लुक। और छत से नीचे का है दृश्य मैं दिखा दूँ, तो ये इस तरीके से नीचे आपको देखने को मिल रहा है। इस स्पेस के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो स्पेस आपको दिख रहा है, ये छत का स्पेस काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। जो पूरा घर है 125 गज का है और इसमें जो है इसको बनाया गया है पूरे डिज़ाइन के साथ। तो चलिए आगे अभी हम बढ़ते हैं और आगे का व्यू हम आपको दिखाते हैं। तो गाइस ऊपर में आपको एक रूम देखने को मिलता है। यहाँ पे बात करें एसी की, तो आप ऊपर में भी एसी लगा सकते हो, कूलर लगा सकते हो, यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपने रूम का इस्तेमाल कर सकते हो। गाइस अंदर के बारे में अगर बात करें तो अंदर का जो ये डिज़ाइन किया हुआ है ये बहुत ही अलग तरीके से इस रूम को जो है दिखाता है। साथ ही अगर हम बात करें यहाँ के बालकनी की, तो बालकनी के साथ में आपको एक वॉश बेसिन मिलता है। तो गाइस यहाँ की अगर हम बात करें तो सुबह सुबह आप जो है इस बालकनी में बैठ सकते हो, शाम के टाइम में भी इस बालकनी में बैठ के जो है आनंद ले सकते हो। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आपको ये सोसाइटी जो मिल रही है ये काफ़ी शांतपूर्ण वातावरण है और यहाँ की सोसाइटी का ज़्यादा अच्छा है। बात करते हैं यहाँ के बारे में, तो यहाँ पर गाइस आपको जो है पीछे वॉश बेसिन के साथ में एक टॉयलेट और बाथरूम जो है अटैच मिलता है। तो अगर कोई पर्सन इस रूम में रहता है तो वो इसको यूज़ कर सकता है। बात करते हैं ऊपर के बारे में, तो ये जो ऊपर का व्यू आपको दिख रहा है ये भी एक अलग तरीके का लुक दे रहा है अपने आप में। तो और ये यहाँ के स्पेस के बारे में अगर हम बात कर लें गाइस, तो ये जो स्पेस काफ़ी बड़ा स्पेस है, आप आसानी से अपने जो है फैमिली के साथ यहाँ टाइम बिता सकते हो शाम के टाइम में।
तो दोस्तों अगर हम बात करें इस ग्लास के बारे में, तो ये ग्लास जो है काफ़ी शानदार दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है गणपति की एक चित्र बनी हुई है जो अपने आप में एक अलग पहचान आपको दिखा रहा है, मतलब एक अलग तरीके का लुक आपको देखने को मिल रहा है। और साथ ही बात करते हैं यहाँ पे इस ग्लास के बारे में, तो अगर ये ग्लास गंदा हो जाता है तो आप सीधे यहाँ से जो है इस बोल्ट को खोल के और इस ग्लास को जो है साफ़ कर सकते हो। तो गाइस यहाँ के लाइट्स के बारे में अगर हम बात कर लें, ये जो लाइट्स दोनों जलेंगे तो उसके बाद आपका घर और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखने वाला है। तो गाइस ये था पूरा घर जो मैंने आपको दिखाया। आपको ये घर कैसा लगा देखकर आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही हम आपको बता दें कि अगर आपके मन में किसी भी तरह का क्वेरी है, स्क्रीन पे जो ये नंबर आ रहा है इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। साथ ही बता दूँ तो आपको जो है कमेंट बॉक्स में भी नंबर मेंशन किया गया है, डिस्क्रिप्शन में नंबर मेंशन किया गया है, और एक बार फिर से रिकॉल कर दूंगा कि। तो बात करते हैं गाइस इस घर के बारे में, तो ये घर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखा होगा आपको। ये घर जो है 125 स्क्वायर यार्ड में बनाया गया है और इस कॉलोनी का सबसे बेस्ट घर में से एक है। तो बस गाइस आज की वीडियो हम यहीं पर रखते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर ऑन कर दें। अगर आप चाहते हैं मेरठ के अलावा दिल्ली NCR में कहीं भी घर लेना, एक बार हमें इस दिए गए नंबर पर कॉल करें, डेफिनेटली आपको जो है यहाँ से हेल्प मिलने वाला है। तो बस आज की वीडियो यहीं रखेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।